आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव मीरपुर मोहनचक पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 52 किलोमीटर तो ब्लॉक से 17 किलोमीटर है। 1700 वोट और 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर जहरा खातून संभाले हुए हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्षों में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुरद्वारा के मीरपुर मोहनचक गांव में। यहां काफी विकास प्रधान द्वारा अब तक करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में करवाए? देखिए, मेरे यहाँ पर काफी आवास भी बने हैं, जो मुख्यमंत्री आवास थे, मतलब जो लोहिया आवास थे, वो 20 आवास हमने लोहिया बनवाए हैं। लोहिया से हमारे यहाँ पे सड़कें भी बनी हैं। विधायक नवाब जान खान साहब ने हमें सड़कें भी दी हैं, और जब समाजवादी सरकार थी 20 लाइट भी लगी हैं उस समय, 16 लाइट हैं। और जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से भी हमने काफ़ी विकास कराया है। हमने अपने गांव के अंदर काफ़ी सड़कें, नाली, और खासकर हमने स्कूलों में ध्यान दिया है अपना। जो हमारे दो स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं और प्राइमरी स्कूल हैं, तो उनमें हमने काफ़ी विकास कराया। जैसे शौचालय की टूट फूट थी, शौचालय मरम्मत का काम और सौंदर्यकरण का काम आपने जो है स्कूल में काफी करवाया। जी जी, वो काफी काम कराया है। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत, ओडीएफ तो बहुत पहले हो गई, अवार्ड भी मिल रखा है मुझे। जी जी, ओडीएफ का, ओडीएफ मुझे लगता है कि शुरू में ही हमारा गाँव ओडीएफ हो गया था। और शौचालय भी मैंने उन आदमियों के बनवाए जिनकी जरूरत थी, और मानक पात्रों को दिया है। मेरे यहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी आदमी का, जिसका जो हक है, मतलब उसी का हक। आपने एकदम निष्पक्ष भाव से यहाँ जो है सेवा दी है, जो मानक पात्र है उन्हीं को दिया है, ना कि पक्षपात करके बिना जरूरत वालों को। जी जी, मैंने जिनका जो हक था उनका हक उन्हें दिया है। जो अमीर का हक था अमीर को मिला है, जो गरीब का हक था गरीब को मिला है। सरकार की जैसे योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार की उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, क्या आपके गांव में ये लाभ जो है योजनाएं सभी लोगों तक पहुंच पाती हैं? जी, मैंने खुद कराया है। जो किसानों के फार्म थे, जो 2000 रुपए मंथली महीना में वाले थे, ये मैंने खुद अपने आप जाएगा, मतलब पटवारी जी को जाकर लेखपाल साहब को दिए हैं जी। और उनसे खुद मैंने अपने रूबरू कराया। बल्कि यहाँ तक के हमारा जो 2-4 आदमी रह गए, वो कहते प्रधान जी हमारा नहीं हुआ अभी, तो उनका मैंने दोबारा सा दिया है, और वो नाम भी चिन्हित धोखा आ गए हैं, वो भी इंशाल्लाह उनका काम भी हो जाएगा जी। पंचायत भवन को लेकर भी आप यहाँ जी मांग रखना चाहते हैं। सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? जैसे केंद्र सरकार कार्य कर रही है, जैसे सुविधाएं लोगों को दे रही है, इससे आप संतुष्ट? जी जी जी, बढ़िया काम चल रहा है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ इन 4 वर्षों में करवाया जा चुका है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्कूल का काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है और अभी भी काम जारी है। बाकी इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करते हैं, तो यहाँ कुछ समस्याएं आज भी बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर और पंचायत भवन का होना ग्राम पंचायत में बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए प्रधान सर्वप्रथम मांग रखते हैं। इसके अलावा इनका मानना है कि यदि सरकार अच्छी धनराशि यहाँ पर मुहैया कराए, तो ये स्कूलों में या और भी कहीं जनहित में जो कार्य सुविधाएं ये दे पाएंगे, उन्हें अच्छे से कर पाएं। बाकी शिक्षा की तरफ प्रधान जी का काफी रुझान है, शिक्षा को काफी आगे ले जाने का इनका इरादा है। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24। क्या नाम आपका? वाहिद हुसैन जी। वाहिद हुसैन जी, ये बताइए, 4 वर्षों में लेकर के यहाँ ग्राम प्रधान जो द्वारा विकास कराए, उसमें क्या कहना चाहोगे? बढ़िया काम कराया साहब, जंगल गए, बढ़िया रास्ते बढ़िया कर दिए, गाँव में नाली सड़कें सब बढ़िया काम चल गया। संतुष्ट हो आपने कार्यों से? बिल्कुल बढ़िया काम। क्या नाम है आपका? खलील अहमद जी। खलील अहमद जी, ये बताइए, यहाँ विकास कार्यों को लेकर क्या करना चाहोगे? बढ़िया चल जाएगा तीनों काम, और क्या करेंगे। प्रधान जी जितना भी काम करा रहे बढ़िया करा रहे हैं, अभी स्कूल में काम चल गया है, सड़क नाली खड़ंजे बाहर का काम भी सब बढ़िया चल जाए, मनरेगा का कोई शिकायत नहीं है। आप सहमत हो? हाँ, बढ़िया चलते रहना, और आगे भी यही बना रहता है।